ठीक है गाइस, हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे सिंपल सा पार्ट यहाँ पे मैंने ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, ओके। देन मैं यहाँ से एक वीडियो मैं कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे ये एक वीडियो है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट किया, वन प्रेस कर दिया। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पे अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जब भी मैं कोई भी चीज़ देखूंगा यहाँ पे तो वीडियो को मुझे एक बार देखना है कि लाइक कैसे मेरे पास कैमरा जा रहा है। ठीक है, कैमरा लाइक किस टाइप से मूवमेंट है, कैमरे को निकालना। ठीक है, मैं अभी स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे कितने फ्रेम है, बहुत सारे फ्रेम है। मैं सबसे पहले प्रेस करता हूँ एस। ठीक है, पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल 100 फ्रेम लेता हूँ। यहाँ पे ठीक है, 100 फ्रेम पे गया। यहाँ पे 1920 यहाँ पे साइज ले लेते हैं यहाँ पे, ताकि मेरे को दिक्कत यहाँ पर ना आए। ठीक है, यहाँ पे सेट कर दिया मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ से मैं जस्ट प्ले करता हूँ यहाँ पे, कि इतना मेरे पास पार्ट आया जो कैमरा पैनिंग है। तो अलग अलग टाइप के मैं आपके कैमरे को आपको यहाँ पे डील करना बताऊंगा कि एक ये पार्ट है कैसे मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे गया, सिंपल टैप प्रेस किया, कैमरा ट्रैकर 3D। ठीक है, ये पार्ट यहाँ से कनेक्टेड हो गया यहाँ पे। ठीक है, बहुत बेसिक से पार्ट मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पे जैसे प्रीव्यू देखना है, प्रीव्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है, कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सा पार्ट इनपुट है, इनपुट को मैंने कर दिया ग्लोबल एंड ट्रैक। तो ट्रैकिंग पॉइंट में यहाँ पे देखने वाला हूँ कि भाई मेरे पास किस टाइप से चाहिए वो लाइक फुलफिल करना है। कम फ्रेम मिल गया इससे थोड़ा सा जल्दी भी होगा, अब ज़्यादा फ्रेम मिलेगा तो टाइम टेकन होगा, लेकिन मैं लाइक चाहता हूँ थोड़ा सा जल्दी चीज़ें कवर हो, इसलिए मैं थोड़ा सा मैंने कम फ्रेम लिया। मैंने यहाँ पे पहले चीज़ों को समझना है लाइक मेरे पास पॉइंट स्टेबल है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को फिर उसके उन चीज़ों को मैनेज करना है कि मैं कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज करता हूँ। जब ये रिवर्स में आता तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, मैं अभी थोड़ा सा इसको होल्ड करता हूँ। ठीक है, इस मेरे यहाँ पे ट्रैकिंग हो गया है। अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ, एक बार मैं प्ले करके देखता हूँ ट्रैकिंग प्रॉपर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो देखेंगे पॉइंट्स मेरे पास यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट्स मेरे पास ऐसा कुछ गिवन है, सॉल्व कर देते हैं। बेसिक्स हमने पहले देख रखा है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा इसमें टाइम नहीं स्पेंड करते यहाँ पे। और दूसरी चीज़, मैंने यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं इन पॉइंट को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड ग्राउंड पेन में सेलेक्टेड कर दिया। ठीक है, जो पॉइंट्स मेरे पास यहाँ पे मैं ऐसा कुछ डील कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी ये जो पॉइंट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं इन चीज़ों को, मैं तो ऐसे यहाँ पे ऐसा कुछ करता हूँ। ठीक है, अभी ये मैंने पॉइंट्स यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक बार देख लेते हैं कि भाई कैसे क्या काम करना है, किस तरह से काम करना है, चीज़ों को कैसे फुलफिल करना है। ये पॉइंट्स मेरे पास आ गए यहाँ पे। इसका देख आपको ऑप्शन आता है यहाँ पे लाइक सीन प्लस। ठीक है, सीन लिया, अभी सीन प्लस लेते हैं, क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे, आपके पास ये नोड आ गया। ठीक है, व्यू को उठाओ यहाँ पे, आप स्कैन लाइन पे वन क्लिक करो तो आपके यहाँ पे दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। अभी इसी में आपको एक सेकेंडरी ऑप्शन और भी मैं आपको ऐड ऑन करता हूँ। जब मैंने ट्रैक किया, ट्रैक सही हुआ नहीं हुआ, तो एक चीज़ और आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक होता है मॉडल बिल्डर करके। ठीक है, मॉडल बिल्डर लिया मैंने यहाँ पे, इसको कनेक्टिविटी में आपको बताता हूँ, ज़्यादा ध्यान से समझना यहाँ पे। जो कैमरा है, कैमरे को कैमरे से कनेक्ट करो यहाँ पे। ठीक है, जो सोर्स है, सोर्स को आपको यहाँ पे इससे कनेक्ट कर दो, देन इसको आप वन प्रेस करो, ये चीज़ दिखेंगे आपके पास यहाँ पे। यहाँ पे ग्रिड दिखेगा, ग्रिड को आप लाइक ऐसा ऑन ऑफ कर सकते हो, ये 3D व्यू आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, आपको ऐसा कुछ पार्ट देखने वाला है कि ऐसा कुछ पार्ट आप चीज़ों को देख सकते हो भाई कैसे मेरे पास यहाँ पे ग्रिड है, किस टाइप से चीज़ को प्ले करना है, ऐसे करके आप थोड़ा सा प्ले करके देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या करना है, लाइक गो टू स्टार्ट फ्रेम, जूम किया मैंने यहाँ पे, मॉडल बिल्डर पे गए, यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जिनको मैं वन बाय वन करके आपको समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट है, कार्ड है, क्यू, ये सब कुछ है, वन बाय वन करके हम लोग यूज़ करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे क्या किया, कार्ड में 4x4 दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 4x4 को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे कर दिया 1 एंड 1, मैंने क्रिएट किया, जस्ट मैं यहाँ पे सिंपल क्रिएट करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। देखिए दिख रहे हैं यहाँ पे, ये क्रिएट हुआ। ठीक है, क्रिएट करके आप यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकते हो। ये देखो ये पॉइंट आ रहा है, लेफ्ट क्लिक करो आप, इसको यहाँ पे मैनेज करके दिखा सकते हो। जूम करो आप यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे भी दिखेगा। ठीक है, देन मैं इस पॉइंट्स को भी उठा के लाता हूँ यहाँ पे, देन चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे। ये पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे, देन ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, इन पॉइंट्स को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, लाइक ये मेरे पास एडजस्टमेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, ये कर दिया मैंने। अभी यहाँ पर हम लोग प्ले करके देखते हैं। ठीक है, प्ले करेंगे, देखो ये थोड़ा टाइम बाद ऊपर जा रहा है, तो इसको फिर से उठा के मैनेज करो यहाँ पे। ठीक है, फिर प्ले किया, फिर लगता है कि नीचे जा रहा है, इसको उठाओ। ठीक है, यहाँ पे आप मैनेज कर लो आप यहाँ पे। ठीक है, इन चीज़ का आपको ध्यान देने के लिए, अगर लगता है थोड़ा सा नीचे जा रहा है, थोड़ा सा अगर ऐसा कुछ जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर लेना है। यहाँ चेक करो,
ठीक है। यस सर, ये वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, लाइक एंड तक हमें देखने की वो चाहिए मैच है। अभी देखो, अभी स्टार्टिंग सेंड देखो तो अभी जहाँ जहाँ पे पहले दिक्कत आई थी वो हमने ठीक कर दिया, वो वहाँ पे मैच दिख रहा है क्या? ठीक है, वो हमें मैच दिख रहा है, उस पर हम लोगों ने चीज़ों को सेट किया, तो यहाँ पे चीज़ें आ गई, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। ठीक है, ये पार्ट मैंने ऐसे ऐड ऑन कर दिया। अभी ये चीज़ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ग्रिड को मैंने कर दिया ऑफ, या आप टैप प्रेस करो, टैप करके आप ये 2D व्यू में आएगा, टैप प्रेस करो 3D व्यू में आएगा। ठीक है, ग्रिड को आप ऑफ कर सकते हो, बहुत सिंपल सा फंड है। यहाँ पे सेट किया, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मुझे एक और शेप लेना है, जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे जैसे बाई डिफॉल्ट 4x4 था, तो 4x4 कर दिया मैंने यहाँ पे। मैंने एक और काम किया, मैंने गो टू स्टार्ट फ्रेम, अब मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, देखो क्रिएट करते हैं, यहाँ पे 4.4 फ्रेम आपको मिलेगा। ठीक है, अभी मैं इसे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने सेट किया, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से पॉइंट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ चेक करो, यहाँ से इस पॉइंट को मैं पकड़ता हूँ, ये पॉइंट में बस यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेट किया भाई मुझे यहाँ पे चाहिए, और ये चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी यहाँ पे। ठीक है, फिर से देखो स्टार्टिंग पे गए, प्ले करके देखो, यहाँ पे प्ले करते ऊपर जा रहा है, सिलेक्ट करो नीचे लेके आओ, ताकि ये ध्यान है कि हाँ कहीं अगर ऊपर जा रहा है तो मैं उसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो कहीं अगर नीचे भी जाएगा तो आपको थोड़ा सा इसको आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको फर्स्ट टाइम आपको ये मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर लगता है देखो यहाँ पे चीज़ दिखे यहाँ पे, यहाँ पे तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ कर सकते, अभी वो अपने जगह पे मैनेज है, तो आप लोग इस टाइप से भी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा प्रोसेस बताया जिसमें हम चीज़ों को लाइक मैनेज कैसे करना है, इसका चाहिए क्या, लाइक देखो यहाँ पे अगर मेरे दोनों पॉइंट ठीक हो गए, दोनों मैंने कार्ड लिया, कार्ड टू दिख रहा है यहाँ पे, मुझे बेक करना पड़ेगा, बेक किया मैंने यहाँ पे, बेक करते यहाँ पे नोड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नोड आया, यहाँ पे टैप प्रेस करो, यहाँ पे कर दो चेकर, चेकर बोर्ड, ठीक है, यहाँ पे गए चेकर बोर्ड पे, गए चेकर बोर्ड से इमेज कनेक्ट किया, और इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट किया सीन से। ठीक है, क्लिक करो, अभी देखो दिख रहा है क्या, यहाँ चेक करो, यहाँ पे नहीं, जब डबल क्लिक करो इसे, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सिंपल मैनेज करता यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे हम चेक करते हैं, दिख रहा है नहीं, पहले क्रॉस चेक करते हैं क्या, अभी यहाँ पे दिखा नहीं दिखा तो हम लोग यहाँ पे फिर क्रॉस चेक करते हैं कि यहाँ पे मैं वन प्रेस करता हूँ यहाँ पे चीज विजुअल है, ये देखो यहाँ पे विजुअल है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं बस अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कैमरा ट्रैक पॉइंट है, इसे मैंने कर दिया डिसेबल। ठीक है, कैमरा ट्रैक पे अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी यहाँ पे टैप प्रेस करते हैं, यहाँ पे क्लिक करो, चेक करो विजुअल है नहीं है, नहीं। यहाँ पे क्लिक करो मोशन बिल्डर पे, यहाँ पे देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आप कुछ ये देखेंगे क्या, लेकिन इसमें भी एक बार आपको ये क्रॉस चेक करना है कि ये वायर फ्रेम पे है या किसमें है, वायर फ्रेम पे, डिस्प्ले वायर फ्रेम है, सॉलिड करो। ठीक है, यहाँ पे करो टेक्सचर करो। ठीक है, तो जो टेक्सचर होगा वो चीज आपको यहाँ पे दिखेगा क्या यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस चेक करते हैं, यहाँ पे जो मैंने देखा यहाँ पे कनेक्टेड किया मैंने यहाँ पे, अभी ये पार्ट आपको यहाँ पे भी दिखता है और ये पार्ट आपको यहाँ पे भी दिखता है।